आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर नंबर 3 से एक पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम और इसके पोएट है जॉन बेरीमैन। ठीक है, तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का अपना बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, और वो काफ़ी निराश हो जाता है इसके बाद। अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच, ऐसा नहीं है कि उस बॉल का दाम बहुत ज़्यादा है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ऐसा भी नहीं है कि दूसरा बॉल खरीद पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो ऐसा क्यों है कि वो लड़का काफ़ी अपसेट हो गया उस बॉल के खोने का बाद। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट, ये पोएम को पढ़िए और देखिए कि पोएट को क्या लगता है कि उस लड़के ने क्या खोया, और यही इस पोएम का मेन बात है। खोने को तो उस लड़के ने एक बॉल खोया है, लेकिन पोएट को क्या लगता है कि उस लड़के ने क्या क्या खोया उस बॉल के साथ। एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और कोई चीज़ खोने के बाद क्या चीज़ उसे उस लड़के को सीखने को मिलता है वो इस पोएम में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन का मेन जवाब हमें ढूंढना है इस पोएम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोएट बोलते हैं, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट व्हाट इज़ ही टू डू। तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ, मतलब वो लड़का का हालत अभी कैसा है, वो लड़का अभी कैसा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिस लड़के ने अपना एक बॉल खो दिया है। व्हाट व्हाट इज़ ही टू डू, अब वो लड़का क्या करेगा। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो I मतलब यहाँ पे poet है, poet बोलते हैं कि मैंने देखा it मतलब ball, मैंने देखा उस ball को जाते हुए merrily खुशी खुशी जाते हुए bouncing और bounce करते हुए जाते हुए down the street रास्ते से हो ball bounce करते हुए जा रहा था काफ़ी खुशी खुशी। And then merrily over it is there it is in the water, और वो काफ़ी खुशी से कहाँ जा गिरा, देयर इट इज़ इन द वाटर, अब वो बॉल जाके पानी में गिर गया। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट बोलते हैं। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, ठीक है, और ऐसा कहना का कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चे तुम इतना टेंशन मत लो, और भी बहुत सारे बॉल्स हैं आप वो खरीद लो, ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट मतलब किसी भी चीज़ का मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, फाइनल पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट। तो उतना बहुत ही गहरा सा शेकिंग मतलब झिझोड़ के रख देने वाला ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है सैडनेस, एक बहुत ही झिझोड़ के रख देने वाला उसको जो दुख था वो लगा था, उसको सदमा सा लग गया था। फिक्सेस द बॉय, ठीक है, सदमा लग गया था उस लड़के को। एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वो काफ़ी रिजिड मतलब ठोस सॉलिड की तरह खड़ा है, पत्थर की तरह खड़ा है। ट्रेम्बलिंग काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और वो नीचे देखे जा रहा है। ठीक है, ऑल इज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और अब ये देखिए ये सबसे मेन लाइन है इस पोएम का। पोएट बोलते हैं कि ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, वो क्या देख रहा है नीचे, देख रहा है कि उसके ऑल हिज यंग डेज का मतलब यहाँ पर चाइल्डहुड मेमोरीज है। तो उस बॉल के साथ साथ उसके जितने भी चाइल्डहुड मेमोरीज थे, ठीक है, बचपन की जो यादें थी वो सब यादें क्या थी, इन टू द हार्बर। हार्बर का मतलब एक ऐसा प्लेस, ठीक है, प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स कैन बी टाइड अप एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सी एंड बैड वेदर, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, मतलब तट पर वो जगह जहाँ पे हम लोग नाव को बांधते हैं ताकि वो नाव क्या करे, बैड वेदर से प्रोटेक्टेड रहे, तो वो उस जगह को बोलते हैं हार्बर। तो वो लड़का देख रहा है कि वो बॉल जो है वो उस हार्बर में जाके गिर चुका है। तो लड़का देखता है कि वो बॉल नहीं गिरा, बॉल के साथ साथ उसके जितने भी बचपन की यादें थे जो वो बॉल के साथ बिताया था, ठीक है, उसके साथ खेला था, वो सब यादें उस हार्बर में जाके गिर चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ जो एक क्वेश्चन था कि व्हाट द पोएट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट, इसका जवाब हमें मिल रहा है, किसी बॉल नहीं खोया, बॉल के साथ साथ उसके जितने भी मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड थी वो सब मेमोरीज सब जा चुकी हैं उस बॉल के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वॉन्टेड, मतलब हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब होता है दखल देना। तो लेकिन मैं उसे दखल नहीं दूंगा, ठीक है, उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ डाइम या फिर अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, अ डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, ठीक है, जैसे इंडिया में पैसा होता है 100 पैसा 1 रुपया कहलाता है, वैसे ही US में क्या सेंट चलता है, ठीक है, वहाँ पे 100 सेंट का $1 बनता है। तो यहाँ पे 10 सेंट को हम लोग एक डाइम बोलते हैं। ठीक है, तो या फिर तो वही पॉइंट बोलते हैं कि हम लोग अगर इसको 10 सेंट या फिर कोई दूसरा बॉल खरीद के देंगे तो वो वर्थलेस है इस बच्चे के लिए। क्यों, क्योंकि उस बॉल के साथ साथ उसकी जो यंग डेज की जो मेमोरीज थी वो तो नहीं आ जाएंगी। अब पोएट बोलते हैं, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी,
अब हमें दूसरे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि क्या लर्न करेगा उस ये लड़का ये बॉम्बे खोने के बाद। तो देखिए वो क्या क्या चीज़ सीखेगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस पोजिशंस। तो ये जो अभी वर्ल्ड है वो क्या है, वर्ल्ड ऑफ पोजिशन है, मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि आजकल क्या है दुनिया में, हर कोई क्या करता है अपना प्रॉपर्टी अपना संपत्ति बढ़ाने का कोशिश करता है। हो सकता है वो कोई मोबाइल नया खरीद रहा है, कोई नया कार खरीद रहा है, कोई नया सोफा, कोई नया घर ले रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ को क्या, हर कोई क्या कर रहा है, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अपने घर में लाने का होड़ लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। हर कोई चाहता है कि कोई चीज़ पोजेस कर ले। पोजेशन का मतलब क्या होता है, ओन करना। हर कोई चाहता है कि हम लोग नई नई चीज़ ओन करते जाए। तो इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में, ठीक है, वो क्या करता है, वो सेंस करता है अपना पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे अपना पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होता है, ज्ञान होता है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू टेक केयर ऑफ हिज थिंग्स। समझे कि नहीं समझे। तो ये पहला चीज़ उसे सीखने को मिला कि अपने सामानों को उसको ध्यान रखना है इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में। और आगे देखते हैं, पोएट बोलते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटल बॉय। पोएट बोलते हैं कि इस वर्ल्ड ऑफ पोजिशन में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होंगे कि आप बॉल्स, बॉल्स का मतलब यहाँ पे सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है, बॉल्स का मतलब यहाँ पे है बिलोंगिंग्स, आपके संपत्ति, ठीक है। तो इस वर्ल्ड में क्या होंगे कि आपके संपत्ति क्या तो कभी पीपल ऐसे ही ले लेंगे, हड़प लेंगे, या फिर बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, या फिर आपके संपत्ति आपके प्रॉपर्टी हो जाएंगे, कभी खो सकते हैं, कोई भी कीमती चीज़ हो सकता है आपसे खो जाए इस वर्ल्ड में, ठीक है। तो यही पोएट्स बोलते हैं, मनी मन सोच रहे हैं कि इस वर्ल्ड में क्या तो पीपल ले लेंगे आपके प्रॉपर्टी को, या फिर आपका प्रॉपर्टी आपका बिलोंगिंग जो है वो कभी लॉस्ट हो जाएगा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैग। और इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉपर्टी खो जाने के बाद कोई दूसरा आदमी आपको प्रॉपर्टी खरीद कर देगा, ऐसा नहीं होता इस रियल वर्ल्ड में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि यहाँ पे आगे हमने देखा था कि अ डाइम या फिर अनदर बॉल इज वर्थलेस, दूसरा बॉल खरीद के देना बेकार है। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। अभी हम बॉय को अब क्या, पोएट क्या करना चाहते हैं, एक लेसन सिखाना चाहते हैं। पोएट चाहते हैं कि बॉय एक लेसन सीखे कि इस रियल वर्ल्ड में कभी भी कोई दूसरे को कोई नया बॉल खरीद के नहीं देता है। बॉल मतलब कोई भी चीज़ जो खो जाए, कोई भी कीमती चीज़ खरीद के नहीं देता है, ठीक है। फिर आगे देखें क्या बोलते हैं पोएट। मनी इज एक्सटर्नल। पोएट बोलते हैं कि मनी क्या है, एक एक्सटर्नल चीज़ है। आपका जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब थिंग्स विद विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच्ड। तो मनी के साथ कोई फीलिंग नहीं होता है। तो वही पोएट बोलते हैं कि मनी इज एक्सटर्नल है, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज। तो वो लड़का अभी सीख रहा है वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज। डेस्परेट मतलब उसके निराश आंखों के पीछे जो दिमाग है, उस दिमाग से वो लड़का क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। तो वो नॉलेज ले रहा है लॉस का नॉलेज, ठीक है, कि लॉस होने के बाद हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उस लॉस को झेलते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं, और फिर उसके बाद कैसे खड़े होते हैं, ठीक है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और वो ये चीज़ सीख रहा है, वो चीज़ जो हर इंसान को एक दिन सीखना ही पड़ता है। एंड मोस्ट मैन नो मैनी डेज। और वो चीज़ वो सीख रहा है जो हर, जो कई सारे इंसान कई दिन में सीखते रहते हैं। वो चीज़ क्या है, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे कोई लॉस होने के बाद कैसे हम लोग स्टैंड करते हैं, उस लॉस को कैसे बर्दाश्त करते हैं, वो चीज़ उसे सीखना है, ठीक है।